Hello guys, so we are at the film city right now. Film city is in Noida. और मैं हूँ आफ्ट के स्टूडियो के बाहर. सबसे बड़ा लैंडमार्क है ये, तो जैसा देश वैसा भेष. आज कोशिश कर रहा हूँ व्लॉग थोड़ा सा फिल्म स्टूडियो वाले ट्रेनिंग स्टूडेंट्स वाला तरीके से, एंड होपफुली आई विल बी गिविंग अ रिव्यू ऑफ फिल्म सिटी. फिल्म सिटी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं. ज़्यादातर जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उन सबका ऑफिस यहाँ पर है. थोड़ा सा एक कमर्शियल ऑफिस स्पेस का आपको एक रिव्यू भी दूंगा कि ये किस तरीके का ऑफिस स्पेसेस हैं और क्या फिल्म सिटी में मेन चीज़ है. फिल्म सिटी से आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं वो भी आपको इस व्लॉग में ज़रूर देखने को मिलेगा. दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, आपका स्वागत है प्रॉपट्रॉन के इस नए व्लॉग में. और ये नया व्लॉग लेके आ रहा हूँ मैं सेक्टर 16A जो कि फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है. फिल्म सिटी की स्थापना या इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1988 एंड प्रोमिनेंटली बाय मिस्टर संदीप मारवा. सो वट इज़ द प्रोमिनेंस ऑफ फिल्म सिटी इन द हिस्ट्री ऑफ नोएडा. बेसिकली नोएडा को ये नया आयाम देने के लिए फिल्म सिटी बहुत बड़ा एक पिवोटल पॉइंट है, क्योंकि दूरदर्शन का जो बेसिकली सेंट्रल पॉइंट है उसके बहुत नज़दीक होने के कारण बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स को एक जगह चाहिए थी जहाँ पे वो प्राइवेट शोज़ न्यूज़ चैनल्स को होस्ट कर सकें, अपने चैनल्स को बढ़ा सकें. इसलिए फिल्म सिटी की स्थापना की गई. यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं जैसे कि आफ्ट है, जी मीडिया का है, उसके अलावा यहाँ एक प्रोमिनेंट बहुत बड़ा स्कूल भी है APJ. उसके अलावा अगर बात करें हम कमर्शियल ऑफिस स्पेसिस की, तो कमर्शियल ऑफिस स्पेसिस की रिक्वायरमेंट ज़्यादातर मीडिया हाउसेज को ही है. और अगर हम बात करें रेट्स की तो 90 रुपये पर स्क्वायर फीट पर आपको फुली फर्निश्ड ऑफिस स्पेस मिल जाएगा और लगभग उससे ऊपर ऊपर ही रेंटल्स जा रहे हैं. कोवर्क शेयरिंग की स्पेस की बात करें तो कोवर्क शेयरिंग स्पेस में रीजस के 2 कोवर्क शेयरिंग स्पेस आपको वहाँ मिल जाएंगे. 91 स्प्रिंग रोड है, इनोवेट है और बहुत सारे कोवर्क शेयरिंग स्पेस स्टार्टअप्स भी वहाँ पे हैं. अब बात करते हैं कि कौन ज़्यादातर यूज़ करता है इन सब स्पेसेस को. तो बेसिकली ट्रेनिंग सेंटर्स तो हैं ही उनने लड़के लड़कियों के लिए जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं फिल्म और टेलीविजन में किस तरीके से काम किया जाता है या क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं उन सब चीज़ों के लिए. और दूसरी बात अगर हम करेंगे कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस की, तो बहुत सारे आईटी कंपनीज भी यहाँ पर हैं. बहुत अच्छी अच्छी ए ग्रेड कमर्शियल ऑफिस स्पेस हैं यहाँ पर अवेलेबल. आप जा सकते हैं, देख सकते हैं अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है. रेट मैंने आपको जैसा कि बता ही दिया है. उसके अलावा अगर हम बात करें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी फिल्म सिटी बहुत अच्छा है. द ओनली नेगेटिव पॉइंट इज दैट इट हैज़ अ प्रॉब्लम इन रिगार्ड्स टू पार्किंग. जैसा कि आप देख ही सकते हैं वीडियो में, गाड़ीज ऑन रोड ही पार्क होती हैं और हर जगह ऐसी लेफ्ट राइट में पार्क होती हैं. उसके अलावा अगर हम बात करें खाने पीने की जगहों की, तो यहाँ पे अच्छी अच्छी ईटरीज भी अवेलेबल हैं. आपको स्ट्रीट वेंडर्स भी मिल जाएंगे और आपको बड़ी बड़ी फूड चेन्स भी मिल जाएंगी. बेसिकली अगर कुछ बात करूँ मैं कि कौन कौन से बड़े ऑफिस स्पेसेस यहाँ पे हैं, तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया है, NTPC है, उसके अलावा HPCL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, नेटवर्क 18 है, इंडियन एक्सप्रेस है, NDTV है, TV Today है, उसके अलावा बैक फिल्म्स है, टी सीरीज़ है, टाइम्स नाउ, ET न्यूज़ है, गेल है, जी मीडिया कॉरपोरेशन है. तो बेसिकली ज़्यादातर मीडिया हाउसेज हैं. उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल ऑफिस स्पेसेस भी बहुत सारे हैं जो आते रहते हैं, जाते रहते हैं. बड़ी बड़ी कंपनीज ने ऑफिस स्पेसेस लिए हैं. थोड़े बहुत कोवर्क शेयरिंग में स्टार्टअप्स भी हैं. तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि ताकि मैं फिल्म सिटी के बारे में बता सकूं कि क्या उसकी रियल स्टेट प्रोमिनेंस है, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ स्टैंड करता है. नेगेटिव पॉइंट्स यही हैं कि कहीं कहीं रोड बहुत ख़राब है, पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑलरेडी मॉल ऑफ इंडिया के बैक साइड में पड़ता है, तो उसका भी एक एडेड प्रेशर यहाँ रहता है. पीछे से कनेक्टिविटी ली जाए तो ये सेक्टर 16 से अंडरपास से होते हुए रजनीगंधा चौक जाता है. अगर हम दिल्ली से कनेक्टिविटी ले तो DND से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, सीधा अक्षरधाम से भी आ सकते हैं, ग्रेटर नोएडा से भी ये मिलता है आपको पॉइंट. तो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे सीखने के लिए कुछ, तो आप आ सकते हैं. यू कैन स्टडी अ लॉट अबाउट मीडिया, यू कैन नेटवर्क अ लॉट. आपको नेटवर्किंग में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं सबके सेंट्रल ऑफिसेज यहीं हैं, सारे इंटरव्यूज़ यहीं शूट होते हैं. सो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी. कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए. थैंक यू.